गाइज आई वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। गाइज आज हम करने वाले एक चैलेंज, दैट इज ली प्रिस्ट, जो 90s के बॉडी बिल्डर है। उन्होंने कभी ओलंपिया नहीं जीता, बट उनका आर्म्स बहुत बड़ा था। मेरा आर्म्स थोड़ा छोटा है मुझे लगता है, एंड मैन फिजिक में ऑफ कोर्स आपको आर्म ज़्यादा बड़ा चाहिए नहीं, बट मेरा प्लान है कि आज मैं उनका चैलेंज करूँ। तो उनका 3 या 4 एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज सुपर सेट होते हैं। एंड अभी मैं कट पे हूँ, करीबन 26 दिन आउट हूँ आज से। तो अभी हम आए हुए हैं एनी टाइम फिटनेस नोएडा में। तो पहला जो एक्सरसाइज है खाते कैसा होता है, लेकिन याद रखना जो भी मैं सेट्स एंड रेप्स करूँगा, रेप्स शुड भी 15 से 16 रेप्स, जो गुरुजी ने मुझे बोला है कटिंग में करने के लिए 15 से 16 रेप्स। बट लोड एंड एक्सरसाइज आज ली प्रिस्ट जो लेजेंड है उनका कर। गाइस पहला एक्सरसाइज सुपर सेट रहेगा, ठीक है। इसमें हम पहले बाइसेप कर्ल करेंगे केबल से। एक्चुअली दोनों हाथ से वो करते थे, बट यहाँ पे भाई लंबा वाला केबल क्रॉस नहीं है, छोटा वाला है। तो आप जब भी ये एक्सरसाइज करते हो तो मेक श्योर करना आपके हाथ एंड ये केबल स्ट्रेट होना चाहिए, एंड आपको पूरा छोड़ पूरा ओपन नहीं करना है, ये हाफ रहेगा। 1 2 3 हाँ ऐसे, 4 5 6 और 7। तो ये बाइसेप का पहला एक्सरसाइज, इसमें सुपर सेट, सुपर सेट में रुकना नहीं है। एंड ओ 4 5 6 7 8 10 ओ 10। तो गाइस ये था 16 रेप, ये पहला एक्सरसाइज का पहला सेट। ऐसे करने हैं 4 सेट, तो ये करते हैं। बाकी बॉडी में कट्स कैसा आ रहा है, एस्थेटिक लुक कैसा आ रहा है, वो कमेंट करें ज़रूर बताना। सो गाइज 4 सेट हो गए कंप्लीट पहले एक्सरसाइज के। बट जो बाइसेप का पंप है वो 20 मिनट तक ही रहेगा मुझे पता है, क्योंकि 0 कार्ब्स है। सुबह से मैंने 0 कार्ब्स लिटरली खाया है, एंड आज था संडे और मैं अपने एक क्लाइंट के पास आया था। भाई अगर मैं सामने रह के ट्रेन करा सकूँ वो बहुत बेटर होता है। बाकी पंप बिना काप्स के बाद एकदम एनर्जी नहीं रहता है पुश करने का, जैसे आज संडे था। और आम से मैं करता नहीं हूँ, बट मेरा वीक में पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका था और मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। और ये मैं चीज़ बहुत दिन से सोच रहा था, अभी गुरुजी के जिम में मैं रहता तो ये चीज़ नहीं कर पाता ट्राई, क्योंकि वहाँ पे एक बड़े मसल बैक के साथ ही ट्रेन करते हैं, या लेग्स के साथ ट्रेन करते हैं, या चेस्ट के साथ आर्म्स को ट्रेन करते हैं। सिंगल डे मैं नहीं देता हूँ अपना आर्म्स को ट्रेन करने के लिए। बाकी आज था भाई, तो आज बढ़िया से चैलेंज करेंगे। अभी दूसरा एक्सरसाइज है वहाँ। सो गाइज ये है सेकेंड एक्सरसाइज, इसमें करना आपको इंक्लाइन में आपको लेना है डंबल। मेक श्योर करना आप जो भी वेट लो, 12 लो 15, लेकिन भाई 15 रेप से कम नहीं आना चाहिए। अगर 15 रेप से कम कर रहे हो आप बॉडी बिल्डिंग, तो मसल ग्रो नहीं होगा। ये पावर लिफ्टिंग नहीं है भाई, एंड ऑल्सो ये सुपर सेट है। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 वन मोर। अब ये सुपर सेट विथ ट्राइसेप पुश डाउन, और वेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। लाइट है भाई बहुत, कटिंग में इतना लाइट नहीं लगना चाहिए। ये भी लाइट है भाई, आगे भी ध्यान रखना है, इधर भी ध्यान रखना है, ठीक है। ओ यस 4 5 6 7 8 9 5 मोर। One more. So guys, bicep pump ये है, ठीक है। अब ये दूसरा एक्सरसाइज है, बाकी कंडीशन बढ़िया है। लास्ट में आपको पोजिंग करके भी दिखा देंगे भाई कंडीशन क्या है क्या नहीं है। और हमारे पास 26 दिन है।
कैलरीज अभी धीरे धीरे ड्रॉप होगा, आज से थोड़ा प्रोटीन भी कम हो गया। पहले मैं एक स्कूप वे प्रोटीन, हाँ 500 ग्राम चिकन एंड 14-15 अंडे खाता था, आज से वो 250 ग्राम चिकन हो गया है। एंड लास्ट मील में मैंने फ़िश ऐड कर दिया है, जो मैं रात को सोने से पहले चिकन खाता था, अब मैं फ़िश ऐड कर दिया हूँ। सो बॉडी बिल्डिंग के पीकिंग में आप फ़िश ऐड कर सकते हो। फ़िश का बजट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 400-500 रुपये के जी, 500 रुपये के जी होता है यहाँ पे दिल्ली में। तो हमारे जैसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हम कंपिटिटिव है इसलिए एक मील कर रहे हैं। अगर आपके पास सस्ता मील, जैसे कोलकाता में बहुत सस्ता है, 200-250 रुपये मिलता है, तो आप दिन भर में 2-3 मील खा सकते हो। वो चिकन से ज़्यादा आपको बेटर स्किन क्वालिटी देगा। बाकी प्रोटीन तो सेम रहता है, लेकिन जैसे हम लोग ओमेगा फिश क्यों खाते हैं, बोन्स स्किन के लिए अच्छा होता है। जितना बॉडी का कंडीशन स्किन अच्छा रहेगा, उतना बॉडी आपका अच्छा से दिखेगा। तो लास्ट प्रेप में मैंने फ़िश ऐड किया था लास्ट के एक वीक, बट इस प्रेप में मैं लास्ट 4 वीक से कर रहा हूँ। इसे थोड़ा सा बजट टाइट भी है, बट गेम के लिए इतना प्यार है भाई, जो भी रहेगा वो करना है तो करना है। लेट्स गो, अभी और इसका 3 सेट है, वो करते हैं। पिचर कर मशीन नहीं था तो इसी में जुगाड़ कर ले रहे हैं। 15 रैप ये thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I need to feel like the end's inside me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff, I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a. बाकी पिचर कर्ल में अगर आपको ज़्यादा फोकस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जब आप यहाँ कर्ल कर रहे हो ना, तो अपने मुंडे को नीचे कर लो, तो थोड़ा सा और ऊपर रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। इसके साथ सुपर सेट करना है, आ जाओ दिखाता हूँ कैसे करना है। इसको यहाँ केबल लगा के Yes. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories. Not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless. Psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. Guys, ye beginners bhi add kar sakte ho apne program mein. Ye nahi hai ki bhai main challenge kar raha hu cut mein to aap nahi kar sakte ho. कोई भी बंदा, अगर आप आर्म्स डे एक दिन करते हो, मैं रिकमेंड करूँगा, आप पावर लिफ्टर भी हो तो एक दिन आर्म्स को ट्रेन करो। मेरा एक वीक पार्ट था आर्म्स, मैं पावर लिफ्टिंग में आर्म्स पे ध्यान नहीं देता था, बट अब मैं दे रहा हूँ, हफ्ते में एक दिन करना है। एंड कंपटीशन के बाद भी भाई मैं हफ्ते में एक दिन करूँगा, क्योंकि भाई आर्म्स, आप ये सब पहन के जब बाहर निकलते हो ना, तो आपका आर्म्स दिखता है बाहर, ठीक है। आर्म्स हो गया, फोर आर्म्स हो गया, ये सब को ट्रेन करना चालू कर दो। मतलब अगर आपको पर्सनैलिटी वाइज अच्छा दिखना है, बढ़िया दिखना है, टी शर्ट पहन के अच्छा दिखना है, आपका गोल पावर लिफ्टिंग नहीं है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये सारी चीज़ जा रही एक्सरसाइज को ऐड करना, स्किप कभी मत करना। तो अभी 3 इसके 4 सेट है, ये करते हैं, उसके बाद शायद लास्ट एक्सरसाइज होगा, वो दिखाते हैं आपको। तो गाइज इतना ही था एक्सरसाइज, अब हम करने वाले हैं फोरआर्म्स एंड ट्रेन। मेरे फोरआर्म्स मुझे लगता है थोड़ा वीक है, बट उतना भी वीक नहीं लगता है मुझे, क्योंकि ये पार्ट मेरा बड़ा है, बट हाँ ये पार्ट मेरा छोटा है। तो इसको तुम कुछ भी फोरआर्म्स कैसे भी ट्रेन कर लो, ये पार्ट जो कलाई होता है वो कभी मोटा नहीं होगा, सारा फोरआर्म्स का एक्सरसाइज यहाँ के लिए होता है, ठीक है। बट कैसे करना है, 1-4 आपको इस चीज़ को ट्रेन करना है। आप देख रहे हो जब मैं कर रहा हूँ तो सारा मसल यहाँ से यहाँ आ रहा है, जो मेरा मॉम का टैटू है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। सो सेम इसको भी 15-15 रैप करना है दोनों साइड। एंड दोनों साइड मेरे फोरआर्म जब बड़े हुए थे तब मैंने टैटू बनाया था, तो ये वॉरियर का टैटू है। 3 के करने आपको 5 सेट फोरआर्म्स के। एंड आपके पास अगर फोरआर्म्स की मशीन है नॉर्मल जिम में, यहाँ पे है नहीं, तो आप वो भी कर सकते हो, बट सिंगल सिंगल डंबल करने से आप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील कर सकते हो। ये था पहला एक्सरसाइज, ये मैं फटाफट करता हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness.
this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. यहाँ पे वो वीडियो कंप्लीट हो, आपको मजा आया होगा। ये रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सारे एक्सरसाइज का नेम एंड सेट्स डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। फ्लाइट भी करा रखी है भाई, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम पे मैं जाऊँगा तो भाई फेयर बहुत बढ़ जाता है। एंड मेरा प्लान है, मेरा 29th को रजिस्ट्रेशन है एंड 30th को मेरा टैनिंग वगैरह, मतलब 30th को कंपटीशन है। 28th को फ्लाइट करा गोवा का डायरेक्ट, को अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रॉपर 8 से ही मेरा कार्ब लोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो हम फेज़ में जाते हैं, अभी हम जाएंगे जिसमें होता है डिप्लीशन मोड। डिप्लीशन मोड में क्या होता है, कार्ब्स जीरो, कार्ब्स बहुत कम रहता है, बॉडी ड्राई होने लगता है। अभी मेरा कार्ब्स एक ही मील है, दैट इज़ पोस्ट वर्कआउट मील। के बाद आप लोड करेंगे तो बॉडी बहुत बड़े दिखेंगे एंड शार्पनेस ख़त्म नहीं होगा। तो हम ये जो जर्नी है 10-15 दिन की, वो हमारे बॉडी को ड्राई करने के लिए बहुत हेल्प होने वाला है। एंड जितना कंडीशन हम इस फेज़ में अपने बॉडी को लेके जाएंगे, एंड जैसे मैंने कल भी देखा था, कजिस्तान प्रो हो रहा था, अमित आगरे भाई जिसने लास्ट टाइम ओलंपिया में क्वालिफिकेशन लिया था, वो बहुत ड्राई थे लेकिन उनका फुलनेस पूरा आया नहीं था। तो ये होता है कार्ब लोडिंग के वजह से। एंड जितना आप कार्ब्स बढ़िया लोड करोगे उतना आपका मसल बड़ा होगा। सो ये चीज़ें गाइस, पावर लिफ्टिंग में मैं नहीं सीख पाता, बट बॉडी बिल्डिंग में मैं सीख रहा हूँ एवरीथिंग एंड बहुत मज़ा आ रहा है। लास्ट 25 दिन है, मेहनत करेंगे। ऐसे ही आज संडे था, वर्कआउट नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए एक आर्म्स वर्कआउट शूट करते हैं। बहुत मज़ा आया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।